हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे स्ट्रीम के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। क्लास टेंथ का सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो आ गया है। अब सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि सर कितने परसेंटेज पर हमें कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, हमें ये बता दीजिए। देखिए, हर बार जो है सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइंस आती है, फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक डिसाइड करती है कि कौन सा क्राइटेरिया रखा जाए जिससे कि बच्चों को स्ट्रीम दी जाए। अभी तक डीओई की तरफ से ना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी बच्चों को ये बोल दिया कि आप के पास अगर बेसिक मैथ थी या स्टैंडर्ड मैथ थी, आप दोनों में से आपके पास कोई भी मैथ है तो क्लास 11th में अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो आप मैथ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट ईयर की जब बेसिक और स्टैंडर्ड हो तो बच्चे को 11th क्लास में मैथ दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर जिस रूल को फॉलो किया गया था, जितने परसेंटेज पर बच्चे को स्ट्रीम दी गई थी, इस साल भी वही दे रहे कि पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं लास्ट ईयर के बेस पर ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी जैसे कोई अपडेट आएगा कल या परसों में तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। लेकिन 99% चांसेस ये है कि इसी चीज को फॉलो किया जाएगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते ना, वो भी जरूर लाइक किया करें। ठीक है, अब सुन लीजिए फटाफट। अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है और विद मैथ लेनी है, यानी कि आपको PCM लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपकी एग्रीगेट परसेंट 55%, यानी कि 5 सब्जेक्ट में परसेंटेज कैसे निकालनी है वो वाली वीडियो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश में स्टैंडर्ड या बेसिक उसमें और साइंस में, तीनों में 50-50 चाहिए। देखो, आपकी एग्रीगेट जो आप एग्रीगेट बनाओगे ना, जो आप 5 में सब्जेक्ट लोगे उसमें ये 3 सब्जेक्ट तो लेने लेने हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट और लोगे तो उसको मिला के 55 बननी चाहिए, और इन तीनों सब्जेक्ट में 50-50% होनी चाहिए, यानी कि 100 में से 50 नंबर होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर इंग्लिश में 49 मिला तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना, जैसे EWS हो गया या माइनॉरिटी का हो गया या OBC SC ST हो गया, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे सुनो, यहाँ पर आगे मैं बता रहा कि अगर आपको साइंस विदाउट मैथ लेनी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PCB लेनी है, क्या लेनी है, PCB, तो आपको एग्रीगेट तो 55 ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 50 चाहिए, साइंस में 50 चाहिए, मैथ में आपके 40, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, ठीक है, या बेसिक है तो 45% आपको चाहिए। समझ में आ गया? अगर स्टैंडर्ड मैथ है तो 40, बेसिक है तो 45 चाहिए आपको, अगर आपको PCB लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है। ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना है। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ चाहिए तो आपको एग्रीगेट 50%, इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड या बेसिक 50, और SST में 45 चाहिए। अगर एक नंबर भी कम होगा ना, ये जो मैं परसेंट में तरफ 100 में से समझ लो, टोटल 100 में से इतने नंबर आपको चाहिए। और कॉमर्स विदाउट मैथ अगर आपको लेनी है तो एग्रीगेट 50 चाहिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में 45%, और SST में 45% चाहिए। ठीक है, एक बात और है कि ज़्यादातर टीचर इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे को कॉमर्स नहीं देते, क्योंकि हेड ऑफ स्कूल भी डिसाइड करेगा कि आपको क्या स्ट्रीम देनी चाहिए। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज की बात करें, ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स जैसे है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं चाहिए तो आपको पास होना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए ना तो आपको जो 45% लाने ही होंगे एग्रीगेट में। ठीक है, कई बच्चे जो है ना वो मैथ्स का सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो स्टैंडर्ड या बेसिक में आपको 50% होनी चाहिए अगर आपको मैथ का सब्जेक्ट भी साथ में चाहिए, कई बच्चे करते हैं मैथ भी। ठीक है, और यहाँ बोला गया कि किसी भी बच्चे को ह्यूमैनिटीज लेने से नहीं रोका जाएगा। बाकी और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सर।